हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्यूटीफुल वर्ल्ड। सो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का व्लॉग होने वाला रेसिपी व्लॉग, और रेसिपी है हमारी चने, काले चने की सब्जी आज बनेगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने चने को रात भर भिगो के रख दिया था, और सुबह अब हम इसको रेडी करेंगे, सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ओनियन काट लिया है, 2 मीडियम साइज़ के ओनियन हम ले लेते हैं, और अच्छे से इसे चॉपली काट देंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बनाना। तो हमने यहाँ पर ले लिया है कुकर, और कुकर में हमने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हम यहाँ से 2 से 3 चम्मच इसमें डाल देंगे, यूज़ करेंगे 2 से 3 चम्मच। अब उसमें हम चॉप्ड ओनियन जो थे वो हमने यहाँ इसमें डाल देंगे पूरा, और इसे थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे, थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और हल्का ब्राउन भी हो जाए, तब तक इसे हम अच्छे से सौते कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल बनने वाला और टेस्टी लेकिन लाजवाब होने वाला है। तो अब हम यहाँ पे जो चने थे वो हम इसमें डाल देते हैं, और उसे भी अच्छे से चला लेंगे, मिला लेंगे प्याज में। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनेगा ये, और बट लाजवाब बनेगा, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अब हम इसमें ये अच्छे से मिल गया है, अब इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं, और इसको मिला लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, नमक स्वाद अनुसार, और फिर इसमें हम डालेंगे आगे के मसाले। और सो यहाँ पे हम मीट मसाले का यूज़ करेंगे, मीट मसाला 2 टेबलस्पून हम इसमें मिला देंगे, और ये रहा मीट मसाला, इसको हम 2 टेबलस्पून मिलाएंगे उसमें, और अच्छे से फिर इसको मिला लेंगे। बस सम स्पाइसेस इसमें लगेंगे, और ये बनके मज़ेदार बनके आएगा। और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हम इसमें अब वाटर का यूज़ करेंगे, इसमें पानी डालेंगे, पानी यहाँ डाल देते हैं और मिला लेते हैं। आपको जिस क्वांटिटी में रखना है पानी आप डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसमें लीड लगा लेते हैं, ढक्कन लगा देते हैं कुकर का, और सीटी बनने देते हैं। सीटी यहाँ 3 से 4 सीटी हम लगा लेंगे, और एकदम रेडी हो जाएगा मज़ेदार खाने में। तो यहाँ देखिए हमारे एकदम रेडी हो गया है, वाओ, मुँह में एकदम पानी आ रहा है। बहुत ही टेस्टी बना भी था, और हमने बहुत मज़े से खाया भी। आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा, रोटी के साथ खाइए, या तो आप सिर्फ प्याज ऊपर से डाल के भी ऐसे भी खा सकते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय।